हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। आपने आज हम बात करेंगे थायराइड डिसीज़ के बारे में। आपने बहुत ज़्यादा ऐसे सुना होगा, लाइक फीमेल से तो बहुत ज़्यादा देखा होगा, लोग बोलते हैं थायराइड हो गया, थायराइड बढ़ गया, थायराइड कम हो गया, है ना। या आपने ऐसा भी सुना होगा कि ये उसका वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया थायराइड की वजह से, उसका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया थायराइड की वजह से। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ थायराइड ग्लैंड है क्या। थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है जो नेक में होता है, जो बहुत सारे हॉर्मोन्स को रेगुलेट करता है, बहुत सारे हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है, ठीक है। इसमें से अगर मैं बात करूँ कि दो जो मेन इंपॉर्टेंट अगर वो हॉर्मोन सिक्रीट करता है, वो करता है आयटोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन, ये दो को करता है। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप के हमारे थायराइड डिसीज होते हैं। द फर्स्ट वन हम बात करेंगे, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो से आप समझ ही गए होंगे, हाइपो मतलब कम, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो हॉर्मोन्स को कम सिक्रीट करता है। इसको हम अंडर थायराइड हॉर्मोन भी बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म बॉडी का बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। मतलब बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली बात है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो वेट गेन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। सेम एज नेम सजेस्ट, हाइपर मतलब ज़्यादा। हाइपरथायरॉयडिज्म में थायराइड हॉर्मोन जो होता है, ग्लैंड जो होता है, वो बहुत एक्सेस अमाउंट में थायराइड हॉर्मोन को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको हम ओवर एक्टिव थायराइड हॉर्मोन भी बोलते हैं। और इसमें मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा तो हार्ट रेट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। प्लस इसमें जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा लूज होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर आपका फास्ट होता है तो वेट आपका लूज होता है, ये सबको पता है। नेक्स्ट हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं थायरोइडाइटिस। थायरोइडाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो मेरे थायराइड ग्लैंड होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, तो हम इसको थायरोइडाइटिस बोलते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट नॉट एज कम्पेयर टू हाइपो एंड हाइपर। नेक्स्ट की हम बात करें तो वो होता है हमारा थायराइड नोड्यूल्स। ये क्या होते हैं, लम्स होते हैं, नोड्यूल्स होते हैं जो ग्लैंड्स के ऊपर बन जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन कर देते हैं थायराइड हॉर्मोन का। थायराइड हॉर्मोन का बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन हो जाता है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ नोड्यूल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर बहुत ज़्यादा रेयर है, ऐसा जितनी जल्दी होता नहीं है, इसके कोई ऐसे इनिशियल सिम्टम्स भी नहीं है, बट इसके कुछ सिम्टम्स हैं जो एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, जैसे कि आपको नेक में स्वेलिंग आ गई, वॉइस चेंज हो गया, या लम्स बन जाता है नेक में, तो इसकी वजह से। तो ये फाइव टाइप्स के थायराइड डिसीज होते हैं, बट स्टिल मोस्ट कॉमन अगर मैं बोलूँ जो चलता है, जो मोस्ट कॉमनली आपको दिखेगा, वो लोगों में हाइपो एंड हाइपर थायराइडिज्म दिखेगा। अब हम बात करेंगे हमारे ऐसे कौन से वार्निंग साइंस हैं जो अगर आप फील कर रहे हैं तो मे बी आपको थायराइड डिसीज हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, वो होता है हमारा फटीग एंड टायर्डनेस। देखिए, जो थायराइड हॉर्मोन की वजह से, थायराइड डिसीज़ की वजह से अगर आपको कोई फटीग या टायर्डनेस हो रही है, आप थकान फील कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा ये थकान आपकी कभी भी सोने से या लाइक रेस्ट करने से नहीं जाएगा, ये आपका ओवरऑल रहता ही है बॉडी में, हर दिन रहता है। तो अगर आपको लगे कि आप रोज़ बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको फटीग हो रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहा है, बहुत आप लेजी फील कर रहे हैं, बहुत थकान हो रही है, आपने नींद भी पूरी ले ली, डाइट भी पूरा ले लिया, सब कुछ ले लिया, दैट दिस इज़ दैट टाइम कि आप जाके एक बार अपना थायराइड का एनालिसिस कराएं। नेक्स्ट होता है इंक्रीज हार्ट रेट। अब क्या होता है, जब हमारा हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड बहुत एक्सेस अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो अल्टीमेटली हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपका हार्ट रेट विदाउट एनी अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स, कि आपको रनिंग नहीं कर रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, स्टिल आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज आपको फील हो रहा है, एंड बीपी इंक्रीज फील हो रहा है, देन गो फॉर अ थायराइड एनालिसिस टू। नेक्स्ट बात होती है हमारी, जो बात होती है एंजाइटी की। नेक्स्ट हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, ये भी ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ आपका जो भी थायराइड हॉर्मोन का, या तो ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन की वजह से भी इसमें एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं, ये भी इसका एक वार्निंग साइन है। नेक्स्ट है जैसे वेट गेन एंड वेट लूज। से मैंने बताया हाइपोथायरॉयडिज्म लो थायराइड हॉर्मोन को करता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो वेट गेन होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है तो वेट लूज हो जाता है। तो दिस इज द वे वेट लूज एंड वेट गेन वैरी करता है थायराइड के टाइप के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट होता है शेकिंग। शेकिंग में क्या होता है कि बहुत टाइम में आपको ऐसा लगता है ड्यू टू थायराइड हॉर्मोन में क्या होता है, जैसे हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, हार्ट रेट इंक्रीज हो गया,
ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी होती है, आपकी बॉडी की शेकिंग रहती है विदाउट एनी सिम्टम, आपको बहुत टाइम ऐसा रहता है जैसे बहुत घबराहट सी हो रही है, आप शेक कर रहे हो अननेसेसरी, ऐसे कप कप ही आपको फील होती है, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसिटिविटी टू हीट एंड कोल्ड। सेंसिटिविटी टू हीट एंड कोल्ड में क्या है, जैसे मान लीजिए आपके ओवर एक्टिव थायराइड है, हाइपर थायराइड है, तो वो आपका जो रिएक्ट करेगी वो हीट के साथ, मतलब आप ज़्यादा हीट की तरफ ज़्यादा एसोसिएट हो जाते हैं, बट सेंसिटिव हो जाते हैं। बट अगर आपका लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म है, आपका अंडर एक्टिव थायरॉयडिज्म है, तो उसमें आप कोल्ड की तरफ ज़्यादा होंगे, तो आपके हाथ पैर वगैरह बहुत ज़्यादा ठंडे ठंडे रहते हैं। तो ये वार्निंग साइंस है, इन साइंस को बिल्कुल भी आप डिनाई नहीं करेंगे अगर आपको कोई भी एक साइन पता चलता है। वैसे तो ये मेल्स में भी होता है, बट स्टिल मैं फिर भी बोलूँगी फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इनका ध्यान रखिएगा। ये सारे वार्निंग साइंस हैं, अगर आपको इसमें से कुछ भी आपको फील होता है, देन आपको जो भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है आपके नियर बाय, आप उसको जाके कंसल्ट करिए, थायराइड का एनालिसिस कराइए, एंड प्लीज़ जो भी आप थायराइड टेस्ट करवाते हैं उसमें थायराइड फ्री टेस्ट करवाइएगा, टोटल थायराइड नहीं करवाइएगा, उसमें बहुत माइन्यूट रिएक्शंस नहीं आ पाते हैं। तो आप प्लीज़ वार्निंग साइंस को ध्यान दीजिएगा, और कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप यू आर फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। डिटेल्स कैसे कॉन्टैक्ट करना है ये मैं आपको नीचे मैंशन कर दूँगी। Thank you, bye-bye.